हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभात पोद्दार। आज हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए पेंडेमिक के ऊपर। देखिए, कोरोना के ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोरोना पे इन्फॉर्मेशन डेली आ रही है, कुछ नया आ रहा है, पता चल रहा है कि पहले जो हम सोच रहे थे शायद वो उतना सही नहीं है। तो आज कोरोना पे अगर हम बात करें तो शायद हम कुछ गलत बात कर सकते हैं। तो चलिए, कोरोना पे वायरस बात नहीं करेंगे लेकिन पेंडेमिक्स पे बात कर सकते हैं। एक इतिहास देख सकते हैं हम कि विश्व में जो महामारी है या वैश्विक महामारी है, इसका इतिहास क्या है। तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा आइडिया लिया जाए कि ये पेंडेमिक वगैरह ये जो शब्द होते हैं इसका मतलब क्या है, और एक्चुअली वर्ल्ड में आज तक कौन कौन सी बड़ी महामारियां या वैश्विक महामारियां हुई हैं। देखिए, सबको तो शायद आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो आज एक को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कि ये पेंडेमिक क्या है। तो उसकी शुरुआत होगी, व्हाट इज अ माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक इतना सूक्ष्म जीव जो आपको आपकी सिर्फ आंखों से आप देख नहीं पाए। उसके लिए आपको किसी एडिड चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी हो सकता है आपको माइक्रोस्कोप चाहिए पड़े या ऐसी किसी चीज की जरूरत पड़े। अब माइक्रोब्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें से जो दो प्रमुख प्रकार हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है वायरस। बैक्टीरिया का मतलब क्या? तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म होता है जिसको सर्वाइव करने के लिए किसी भी जगह की जरूरत, मतलब वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है, यानी वो आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है और बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, और थोड़ा बड़े साइज का होता है। सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा नहीं करते हैं। इसके सामने होता है साहब एक वायरस। अब वायरस की बात क्या है? तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कहते हैं कि डेड और लिविंग के बीच का कहीं एक एक सेतु है। ये केवल एक होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है। अब वो होस्ट भले ही एक एनिमल हो या एक इंसान हो, और वो उसके अंदर ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाता है, और इसका साइज आमतौर पर बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। फिर एक शब्द आता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या? पैथोजन का मतलब होता है चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई वायरस हो, या और कोई माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है, बस उसको पैथोजन कहते हैं। फिर आपने एक नया शब्द कई बार सुना होगा, नोवेल कोविड। नोवेल कोविड बोलते हैं। तो ये नोवेल का मतलब क्या? तो नोवेल का मतलब होता है एक ऐसा वायरस जिसको आज तक हमने नहीं देखा, यानी ये नया है, तो शायद इससे निपटने के तरीके भी हम नहीं जानते या इसको हम अभी समझ रहे हैं। इसके बाद शब्द आएगा इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड कंटेजियस डिसीजेस। तो ये इन दोनों का अंतर समझें। इन्फेक्शियस डिसीजेस चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या चाहे कोई और जंतु हो जिसके कारण आपको कोई बीमारी हो जाए, उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। लेकिन ये सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट में स्प्रेड नहीं होती। कुछ ही ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जा सकती हैं। ऐसी डिसीजेस को कंटेजियस डिसीजेस कहा जाता है। तो सारी कंटेजियस डिसीजेस इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं, लेकिन सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस कंटेजियस डिसीजेस नहीं है। दो अंतिम शब्द बचे। पहला शब्द बचा एपिडेमिक और दूसरा पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी एक छोटे से क्षेत्र में बड़ी तेजी से फैले, इन्फेक्शियस बीमारी। देखिए, किसी एक क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बीपी हो गया, तो उसको हम इन्फेक्शियस डिसीज नहीं मानते, उसको हम एपिडेमिक नहीं मानते, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में नहीं बढ़ रही है। लेकिन फ्लू या इस प्रकार की कोई चीज़ जैसे, जो भले ही आज कोरोना वगैरह की बात कर लें, तो ये इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, कंटेजियस डिसीजेज है, जो फैल रही हैं एक दूसरे से और बड़ी तेजी से। तो इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी होता है, रिस्क प्रोपोर्शन। दो जो पॉपुलेशन रिस्क में है, अगर हर 1 लाख लोगों में 15 लोग इन्फेक्शियस हो रहे हैं डेली बेसिस पे फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, तो उसको हम एक एपिडेमिक या महामारी कहते हैं। अगर ये महामारी कई देशों में फैल जाए, कई कॉन्टिनेंट्स पे फैल जाए ना, ज्योग्राफिकल एरिया उसका बहुत बड़ा बढ़ जाए, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो शायद हमको जानने जरूरी थे इससे पहले कि हम किसी
महामारियों का इतिहास देख पाए। तो ये अभी हमने कुछ शब्द देखे हैं, इसके आगे हम बात करेंगे वैश्विक महामारियों के इतिहास की। तो वैश्विक महामारियों के इतिहास में हम शुरुआत करेंगे 430 BC, 430 BC बिफोर क्राइस्ट, जिसको आजकल BC यानी बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो 430 BC में प्लेग ऑफ एथेंस, एथेंस जैसा कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में ग्रीस नामक देश की राजधानी है, तो 430 BC में एथेंस में प्लेग आया था। तो थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं उसका। देखिए, 431 BC से 404 BC एक वॉर चला था, किस किस के बीच में? एथेंस के लोगों के बीच में और स्पार्टा के लोगों के बीच में। और इसको कहा गया था पेलोपिनिशियन वॉर, पेलोपिनिशियन वॉर कहा गया था इसको। तो पेलोपिनिशियन वॉर 431 BC में चालू हुआ था और 430 BC आते आते प्लेग हो गया था एथेंस में। थोड़ा सा अगेन बैकग्राउंड लेते हैं, दोनों के देशों के बीच में कुछ परेशानियां थी जो अक्सर होती हैं, और लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते थे। अब देखिए साहब, इतना बड़ा वॉर है, इतने सालों तक ये वॉर चला, तो जाहिर सी बात है कि एक बार में नहीं हुआ है। इसके तीन फेजेस माने गए हैं कि पहला फेज चला, फिर दूसरा चला, फिर तीसरा चला। तो हम पूरा तो खैर वॉर का डिस्कशन नहीं करेंगे। तो पहला जो फेज चला, यानी पहली बार जब वॉर हुआ, तो उस टाइम स्थिति ये थी कि स्पार्टा जो था उसकी लैंड बेस आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, यानी जमीन पे उनको हराना बहुत मुश्किल था। और इसके विपरीत एथेंस की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, यानी कि दोनों कभी भी कोई कंक्लूसिव बैटल शायद लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जमीन पे मजबूत है और एक पानी में मजबूत है। खैर, तो सर स्ट्रेटजी क्या अपनाई स्पार्टा ने? स्पार्टा ने एथेंस को घेर लिया और उन्होंने वहां की जितनी भी फील्ड्स थी, यानी जिनमें गेहूं वगैरह या जो भी उनके पदार्थ उगते होंगे, उनको आग लगाने की शुरुआत की। प्लस जो लाइव स्टॉक यानी जो पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनको मारने की शुरुआत की, ताकि एथेंस वाले भड़कें और अपने शहर की दीवार को खोल के बाहर उनसे लड़ने आए। लेकिन एथेंस वाले भी स्मार्ट थे, उनके एक जनरल साहब होते थे जिनका नाम था पेरिक्लीस। पेरिक्लीस जानते थे कि जमीन पे हम स्पार्टा से नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने आसपास के क्षेत्र के सब लोगों से कहा था कि आपको बाहर नहीं रहना, आपको शहर की दीवारों के अंदर रहना है। अब शहरों की दीवारों के अंदर है, बाहर स्पार्टा है, तो शहर चलेगा कैसे? क्योंकि भाई कोई भी शहर बिना सप्लाईज के, बिना फूड प्रोडक्ट के तो चल नहीं सकता। तो एक खासियत थी साहब, लॉन्ग वॉल्स एक बड़ी एक खासियत थी, एक पोर्ट था एथेंस का, खुद का एक पोर्ट था पाइरस। तो पाइरस 6 किलोमीटर दूर एक पोर्ट था जो एथेंस से जुड़ा हुआ था दीवारों के द्वारा, यानी वो पूरे साइड से प्रोटेक्टेड था, वो पूरी तरीके से घिरा हुआ था दीवारों से, तो उस पर अटैक करना पॉसिबल नहीं था। ऊपर से जो नेवी थी एथेंस की वो काफी मजबूत थी, तो बहुत ही सिंपल काम था स्पार्टा वालों को बाहर खड़े रहने दो। सामने वाला अटैक कर नहीं पाएगा, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो दीवारों को तोड़ पाए, और हम अंदर बैठे रहेंगे सब आराम से। क्यों? पाइरस से हमारे पास फूड सप्लाईज आती जाएंगी, पोर्ट की सुरक्षा के लिए नेवी है ही, प्लस जितने टाइम स्पार्टा हमारे पास रहेगा उतने टाइम हम अपनी नेवी को स्पार्टा और उसकी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन पर अटैक के लिए भेज देंगे, और वहां पे जाके तकलीफें पैदा कर देंगे। तो ये भाई प्लान था, और ठीक ठाक प्लान था। प्रॉब्लम एक छोटी सी हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई, ऐसा माना जाता है कि पायरस के पोर्ट से प्लेग के कीटाणु एथेंस आ गए। अब साहब एथेंस में तकलीफ समझे कि पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब लोग शहर के अंदर बैठे हुए हैं, और करीबन 3 लाख लोगों के आसपास हो गए थे, और आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहीं पे आके बैठने चालू हो गए थे। रिसोर्सेस की कमी थी और कहीं ना कहीं हाइजीन लेवल भी कम था, और अचानक से ये जो पैथोजन आया इसके कारण अचानक से वहां पे बहुत तेजी से वहां पे बीमारी बढ़ने की शुरुआत हुई। स्पार्टा बहुत दिनों तक बाहर खड़े रह नहीं सकता था, क्योंकि स्पार्टा की एक अलग प्रॉब्लम थी। स्पार्टन्स ने अपने क्षेत्र पे जहाँ कब्जा किया था वहाँ बहुत सारे उनके बंधुआ मजदूर या स्लेव्स थे, लेकिन स्लेव्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, 10 गुना स्पार्टन से ज्यादा स्लेव थे। यानी अगर किसी भी दिन स्लेव्स ने रिवल कर दिया तो शायद आप उनको हरा नहीं पाएंगे। तो बहुत ज्यादा देर तक अपने देश को छोड़ के बाहर खड़े रहना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, और शायद एथेंस ये लड़ाई जीत जाता अगर प्लेग नहीं आता। खैर, प्लेग आ गया, और इसका वर्णन हमको मिलता है एक हिस्टोरियन थे, एथेंस के हिस्टोरियन थे जिनका नाम था थूटी
थुसीडाइडस। तो इनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ पेलोपिनेशियन वॉर, जिसको आज भी एक बहुत प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है इस वॉर के ऊपर और उस प्लेग के ऊपर भी, क्योंकि ये हिस्टोरियन उस वक्त इस शहर के अंदर थे और उन्होंने ये प्लेग सर्वाइव किया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ इस प्लेग की आई वो आई डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स जानते ही नहीं थे इंटेंसिटी इस बीमारी की, तो सबसे पहले वो बीमार हुए और उनकी मृत्यु हुई। ऐसा कहते हैं कि 75,000 से 1 लाख के आसपास एथेंस के वासी मारे गए, जो उनकी टोटल पॉपुलेशन का 25 से 35% यानी एक तिहाई पॉपुलेशन तक माना गया है। तो आप सोचिए विभीषिका कितनी थी प्लस बाकी लोगों पे कितना असर हुआ होगा। स्थिति इतनी बुरी थी कि जब एथेंस कमजोर हो चुका था, स्पार्टा के सैनिकों ने उनसे लड़ने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको भी डर बैठ गया कि भाई इतना ज्यादा प्लेग रहा है, क्या हम इनसे लड़ के सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, हमको तो प्लेग नहीं हो जाएगा। ये सोच के स्पार्टा एक्चुअली वापस चला गया। खैर वॉर आगे चलता रहा और आगे चल के अलग परिणाम हुए। इस प्लेग का अंतर समाज पे क्या पड़ा? पहला अंतर ये पड़ा कि समाज में लॉ को लेके यानी नियम कायदों को लेकर लोगों की मानसिकता बदल गई। लोगों ने नियम कायदे मानने कम कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अरे साहब क्या करेंगे, नियम कायदे मान के मरना तो है, हमारी हालत वैसी खराब चल रही है, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, तो बेहतर है कि जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी लें। पैसा खर्च करने की आदतें बढ़ गई, बोला मरने वाले हैं, मरने से पहले जो जितना पैसा खर्च कर सकते हैं कर लो, इधर उधर जहां पे लगाना है लगा दीजिए। कई गरीब लोग अमीर बन गए। कैसे? क्योंकि उनके अमीर रिश्तेदार मरने से पहले अपनी जायदाद गरीबों के नाम कर गए, तो एक प्रकार का थोड़ा सा पैसे का फ्लो अमीर से गरीब की तरफ आया। लोगों ने ऑनरेबली मॉरली बिहेव करना बंद कर दिया। उनको लगा क्या करेंगे इज्जत का, मरने वाले हैं, तो जो जो करना है कर लो, लोग अगर लोगों की नजरों में नाम खराब हो रहा है तो होने देते हैं। जो बीमार थे या जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनका भी ध्यान नहीं रखा गया, उनकी डेड बॉडीज को ढंग से क्रिमेट नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि यार इनको छुएंगे तो शायद शायद हमें भी ये बीमारी हो जाएगी। लोगों का भगवान से विश्वास थोड़ा कम हो गया। देखिए ये ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, कई मामलों में भारत जैसा है वो। और जब देखा कि यार भगवान भी हमें बचा नहीं पाया, तो अचानक से लोगों का रिलीजन में भी थोड़ा सा विश्वास कम हो गया था। काफी विदेशी लोग जो एथेंस में रहते थे उन्होंने नकली कागज बनवा लिया और उन्होंने अपने आप को एथेंस का नागरिक बता के वहां रहना चालू कर दिया। और जब ये चीज धीरे से पकड़ में आई कि नकली फोर्ज्ड कागज वगैरह जब पकड़ में आए, तो फिर इन लोगों के ऊपर काफी सरकारी नियम वगैरह लगाए गए। इन चीज़ों को देख के एथेंस को नए नियम बनाने पड़े, ऐसे नियम जिसमें कहा गया कि भाई अब किसी व्यक्ति को बहुत आसानी से एथेंस की नागरिकता नहीं मिलेगी, कड़े नियम किए गए। तो उससे एक तकलीफ ही हो गई कि अब एथेंस को नए सैनिक मिलने थोड़े कम हो गए, क्योंकि अब नए लोग आएंगे ही नहीं तो नए सैनिक कहाँ से आएंगे। पॉलिटिकली भी एथेंस इसके कारण कमजोर हो गया। कहीं ना कहीं इसका असर ये रहा कि ये जो वॉर था इतना लंबा वॉर था, अंत में एथेंस ये वॉर हार गया जो एक वक्त जीत के करीब था। आज भी सवाल पूछा जाता है ये पैथोजन कौन सा था, ये किस कीटाणु के कारण ये प्लेग हुआ, तो इस पे बहुत विविध विविध राय है। आज भी 30 करीबन ऐसे अलग अलग कीटाणुओं का इसमें नाम लिया जाता है कि जो शायद इनके कारण हुआ। देखिए बहुत पुरानी बात है तो पूरा डेटा तो ढंग से अवेलेबल होता नहीं, उस टाइम की साइंटिफिक डिस्कवरीज इतनी हुई नहीं थी, तो फिर भी आज कोशिशें की जा रही हैं पता लगाने की, लेकिन शायद आज हमें अभी तक तो खैर हम कंक्लूसिवली बोल नहीं पाए, डिबेट चलती हैं कि ये प्लेग किस जीवाणु के कारण हुआ था। क्यों आज हमने बात किया, आगे वाले लेक्चर्स में हम क्यों और पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स की बात करेंगे, ताकि शायद देख पाए कि इतिहास में हमने क्या गलतियां की या क्या सुधार हम आज कर सकते हैं। शायद ये इस वीडियो का लक्ष्य था। हमेशा की तरह आपके सुझाव और आपके क्रिटिसिज्म आमंत्रित हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।